तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और सामने आप जाएंगे तो आपका आ जाएगा केदारघाट। केदारघाट के ऊपर है आपका केदारेश्वर महादेव जी का मंदिर और सीधे रास्ता ये दशाश्वमेध घाट के लिए चले जाएगा। और अभी मैं हूँ वाराणसी के लाली घाट पर, जैसा कि आप सामने देख रहे हो बोर्ड लगा हुआ है। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ हरिश्चंद्र घाट के नज़ारे। ये जो देख रहे हैं ये आपका है बैठने के लिए व्यवस्था बनाया गया आराम करने के लिए। ये सामने देख रहे हैं आपका है हरिश्चंद्र घाट, ऊपर जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सबको जलाया जाता है और नीचे जो है कि लकड़ियों के माध्यम से जलाया जाता है सबको। ये देख रहे हैं ऊपर आपका सूर्य की रोशनी आने की वजह से जो कि हो सकता है काला टाइप का आ रहा है वीडियो, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ये देखिए यहाँ पर आपका दीवारों पर लिखा हुआ है हरिश्चंद्र घाट। ये देख रहे हैं सभी लोग मस्त है अपने घाटों पर, बकरियाँ बैठी हुई हैं चुमार कर। ये देख रहे हैं इस साइड और ये देखिए यहाँ पर आपका लकड़ियाँ बेची जाती हैं। यहाँ पर आपका स्टॉक रखा हुआ है सौ संस्कार करने के लिए। और यहाँ से आप सीधे ऊपर आप सोनारपुरा के लिए भी चले जाएंगे और जो इस पे जाने के लिए इस बिल्डिंग पर ऊपर से रास्ता बना हुआ है। ये देखिए अंदर आप देखेंगे तो हरिश्चंद्र जी का प्रतिमा भी है और उनके लड़के का भी। तो दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, आपको पूरा चारों तरफ से घुमाकर आपको हरिश्चंद्र घाट दिखाने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार का एक ये देखिए बोर्ड बना हुआ है जिसपे हरिश्चंद्र घाट के बारे में हिंदी और अंग्रेजी, ये देखिए नीचे अंग्रेजी के बारे में यानी अंग्रेजी में लिखा हुआ है। और ये जो इस्टीमेट आप जो देख रहे हैं ये देख रहे हैं कि ये मूर्छा खाया हुआ है। हालांकि ये मूर्छा खाया हुआ है लेकिन इसमें दो चीज़ों का मिश्रण किया गया है, एक लोहे का और इसमें एक जो कि स्टील का। ये देखिए ये जो है ये आपका है कर्नाटक घाट। और देखेंगे तो सीढ़ियों पर कहीं कहीं आप सभी सीढ़ियों पर इस प्रकार भी आपको देखने को मिलेगा। ये देख रहे हैं हिंदी और नीचे अंग्रेजी, यानी कि बाहर के लोग हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो, वो कहीं भी आपका जिस प्रकार वो लगा हुआ था मैंने दिखाया। और जो घाट की सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर भी आपको इसी प्रकार देखने को मिलेगा जो कि हिंदी और अंग्रेजी भी जो समझते हैं। और यहाँ पर देखिए एक महादेव जी का प्रतिमा भी लगा हुआ है। अबे टेप वही पर तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पर आपका घाटों पर बैठने के लिए व्यवस्था भी बनाया गया है। ऊपर है आपका शिवलिंग जो कि दर्शन करने के लिए आपको सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाना होगा। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये आपका जय माँ बागेश्वरी देवी जी का है। यहाँ पर देखिए एक कुंड भी है हवन कुंड। और वर्तमान समय में देखा जाए तो यहाँ पर इस समय पेंटिंग का कार्य किया जा रहा है। ये देख रहे हैं वर्तमान समय में देखा जाए तो यहाँ पर एक भी शव नहीं जल रहा है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर देखिए बहुत ही कम ही मात्रा में यहाँ पर शव को लाया जाता है और सबसे ज़्यादा शव आता है आपका मणिकर्णिका घाट पर। हालांकि सबसे नंबर वन पे देखा जाए शव दाह संस्कार करने के लिए सबसे ज़्यादा और लोकप्रिय है मणिकर्णिका घाट, और उसके बाद आपका आता है हरिश्चंद्र घाट, उसके बाद तीसरा आता है आपका सराय मोहना घाट। ये देख रहे हैं कूड़ा का बाड़ यहाँ पर पूरा फेंका हुआ है। ये
तो दोस्तों ये छोटा सा मेरा वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि यह आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।